भूषण पटियाल सर जी 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 एक्चुअली वो मेरे क्लास में हम साथ में पढ़े हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह क्लासमेट हैं तो जाहिर सी बात है दोस्त दोस्त को अप्रोच करता है। डायरेक्ट सेलिंग से बहुत नफरत करता था मुझे पसंद नहीं था, मुझे लगता था वैसे ही लोग या कोई बनते हैं कैसे बनते हैं, मैं क्या पता नहीं कैसे बनते पर हम नहीं बन सकते। तो दोस्तों अभी हमारे सामने एक ऐसे लीडर बैठे हुए हैं जिनका नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस जर्नी रहा है और अभी हम लोग सर से जानेंगे कि सर का स्टार्टअप कैसे हुआ और सर का यहाँ पे किस किस तरीके से काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अचीवमेंट क्या है, वो सारा कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सर से मिलाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर का सक्सेस जर्नी कैसे था तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल में जाएं को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम स्पॉन्सर 43 आपसे जाएं उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। सर वैसे तो आपको सभी कोई जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस लाइन में काम कर रहे हैं, लगभग सभी कोई जानते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो सर आप हमारे ऑडियंस को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दे सर। ओके गुड इवनिंग साहबान। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम यशवी सिंह और मैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर का रहने वाला हूँ। सर नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी शुरुआत कैसे हुई थी सर, आपका जर्नी किस टाइप से था सर, आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे। ओके नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा शुरुआत हुआ था जो हमारे आज ग्रेट मेंटर है, हमारे सीनियर है भूषण पटियाल सर। जी जी जी। एक्चुअली वो मेरे क्लास में हम साथ में पढ़े हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह क्लासमेट हैं तो जाहिर सी बात है दोस्त दोस्त को अप्रोच करता है। इस तरीके से वो मुझे रेगुलर अप्रोच कर रहे थे शुरू में, तो मुझे थोड़ा आइडिया तो हो गया था कि शायद ऐसा कुछ काम है और मैं तब तक जो है डायरेक्ट सेलिंग से बहुत नफरत करता था मुझे पसंद नहीं था, मुझे लगता था वैसे ही लोग या कोई बनते हैं कैसे बनते हैं, मैं क्या पता नहीं कैसे बनते पर हम नहीं बन सकते। तो तब तक मैं इसको इतना अच्छा नहीं मानता था जी। और वो मुझे लगातार अप्रोच कर रहे थे बट उनका अप्रोच बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही अच्छा था, प्रोफेशनल था तरीके से उन्होंने अप्रोच किया। फिर मैं उनसे मिला, फिर उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर मुझे दिल्ली में ले गए, उससे भी मैं इतना मोटिवेट नहीं हुआ। फिर मेरे को सवाल थे, वो उन्होंने उस टाइम जो सीनियर थे या अच्छे लीडर बड़े लीडर थे उनसे मेरे सवालों के जवाब दिलवाए, उस करके मैं फिर मोटिवेट होना शुरू हो गया। बिल्कुल। फिर और जो सीनियर थे मेरे उनकी आंखों में एक बहुत जुनून था, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था और वही सब देख के मैं उनके साथ इस बिजनेस में आ गया। जी जी जी। सर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए थे और इसमें काम करना स्टार्ट किए थे सर, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था सर, आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताएंगे। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो फैमिली तो उस टाइम किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं था और ज़्यादातर मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। फैमिली का विश्वास जीत पाना एक हमारे लिए पारिवारिक नजरिए से लड़ना भी उस टाइम एक चैलेंज बन गया था क्योंकि मैं तब चंडीगढ़ में पढ़ता था, वो सोच रहे थे मैं चंडीगढ़ से भी अच्छी नौकरी में लग जाऊंगा और उसके बाद मैं घर आ गया अपने होम सिटी में और वहाँ पे रात दिन फील्ड में निकल गया तो उनको लगा कि पता नहीं कौन से काम में आ गया, रात दिन भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है ना फंगों की तरह। तो पारिवारिक नजरिए से लड़ना मुझे पड़ा उस वक्त, शुरू में तो पॉजिटिव नहीं था बट पहले ही साल मेरा 4 प्रमोशन सिप शॉप से हुआ और पहले ही साल के अंदर मैंने गाड़ी भी ले लिया था स्विफ्ट कार। तो इस करके जैसे ही अच्छा अचीवमेंट हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर ही तो फैमिली का जो रिएक्शन था वो मेरे प्रति पॉजिटिव होने लग गया, सकारात्मक होने लग गया कि ये कुछ तो करियर अच्छा कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको तो पता ही है कि हर कोई जानना चाहते हैं कि अगर कोई लीडर सक्सेसफुल यहाँ से हुआ है तो सर अचीवमेंट जानना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री से कितना अचीवमेंट किए हैं सर अब तक। देखिए अचीवमेंट कई सेंस में होता है और ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, मॉरली भी हो सकता है और लर्निंग से भी हो सकता है। अचीवमेंट आपको एक प्रकार से नहीं कई प्रकार का होता है। बिल्कुल। और जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ तो अचीवमेंट मेरा हर तरीके से हुआ है। जी जी। मेरे दिमाग का विकास भी हुआ, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी हुआ, मैंने कम्युनिकेशन भी सीखा, मैंने बोलना भी सीखा, मैंने लोगों से इंटरेक्ट होना भी सीखा, ज़्यादा सीखा, पहले इतना इंटरेक्ट में नहीं होता था, मैंने पब्लिक स्पीकिंग भी सीखा, मैंने पैसा अर्न भी किया, ढेर सारा पैसा अर्न किया, मैंने कार मेरे पास नहीं था मैंने कार खरीदा, बार बार खरीदा, मैं कभी फॉरेन नहीं गया था, मैंने लगातार इसमें कम से कम 20 कंट्रीज में घूम चुका हूँ अभी तक, यूरोप का जिसमें से बहुत सारा कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड है, पेरिस है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है,
इस तरह बहुत सारे जो मेरे ड्रीम कंट्रीज थे, जी जी, स्विट्जरलैंड का भी ड्रीम, सो मैंने कभी मुझे लगा नहीं था कि यहाँ तक जा पाएंगे। एक दिन अचानक हमने टारगेट निकल गए यूरोप के, तो हमने उसके लिए मेहनत की और जीत गए, क्योंकि पहले इससे पहले जो टारगेट इससे पहले भी निकले थे वो थाईलैंड सिंगापुर, वो तो हम ऑलरेडी घूम चुके थे। तो इस तरह बहुत सारा अचीवमेंट हुआ। प्लान में पहली बार बैठे शिपशॉप के प्लेटफॉर्म में आने के बाद, और एक बार बैठे, अब जैसे बस में आदमी रेगुलर ट्रेवलिंग करता है वैसे अब हम ट्रेवलिंग प्लान में रेगुलर करते हैं, कि जब भी कोई आउट ऑफ सिटी टूर होता है बाय प्लान ही होता है। तो ये बहुत सारा अचीवमेंट्स है। उसके बाद यही नहीं अचीवमेंट, इससे हमने ये भी सीखा जो हमारी ट्रेनिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम जिस बिजनेस के माध्यम से हमें मिलता है उसके माध्यम से हम एक सभ्य सिटीजन भी बने। बिल्कुल, हमने बहुत सारा चीज़ लोगों के प्रति हमने सेवा करने का हमारा वो भी बना, एक कर्तव्य भी बना। बहुत सारी चीज़ें हमने इससे सीखी है, मॉरली भी, एथिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर एक तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों का हमने यहाँ से सीखा है। बहुत तरह की हमारी अचीवमेंट्स हुई है, जी जी, सिर्फ मॉनेटरी एंगल से नहीं, हर बिल्कुल तरीके। बिल्कुल, तो आप लोगों ने सुना गाइस कि इनकम करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो अभी मैं सर का इंटरव्यू ले पा रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो टैलेंट आया वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही आया। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री में कितनी पावर है। अब सर मैं लास्ट में चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा बात कहें जिससे हमारे ऑडियंस इंस्पायर हो आपसे और कुछ करे अपने लाइफ में। ओके, बिल्कुल, मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप हिंदुस्तान के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेटेस्ट स्टेट्स आ रहे हैं कि 2025 तक 65,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर बन जाएगा। अभी तक हम अगर स्टेट्स को देखें तो बहुत कम लोग इसमें अभी तक, बाकी देशों के मुकाबले बजाय अगर हम हिंदुस्तान में देखें जो ह्यूज कंट्री है, बड़ा देश है, 140 करोड़ इसका आबादी है, तो हमारे देश में भी डायरेक्ट सेलिंग इतनी बूम पे नहीं आया, अभी तो शुरुआत है। और ये इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लेडीज जेंट्स लेडीज का जो काम करने वालों का गिनती वो जेंट्स से ज्यादा है। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा, बैंकिंग में देखा, बहुत सारी जगहों में देखा, हेल्थ में देखा, लेकिन ये इकलौता इंडस्ट्री है जहाँ लेडीज जेंट्स से ज्यादा वर्किंग करती थी। बिल्कुल, जिसमें से हमने पाया कि 68% के आसपास या 62% के आसपास लेडीज इसमें वर्क करती है और 40% के आसपास जो है जेंट्स वर्क करते हैं। इकलौता ऐसी इंडस्ट्री है, उसमें 65,000 करोड़ 2025 में, जो कि अभी 8 से 10 हज़ार करोड़ के बीच की इंडस्ट्री है, इतना 2025 तक जाएगा। तो एक इसके अलावा और एक बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी आदमी किसी भी उम्र का, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई भी आदमी किसी भी पल आके कामयाब हो सकता है। इसमें बहुत सारे हमारे जो आजकल जहाँ जॉब मिलती है इंडस्ट्रीज है वहाँ पे एजुकेशन मांगते हैं, बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन एक इकलौती इंडस्ट्री जहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मांगते हैं। और कोई भी आदमी लाइफ का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, कोई भी आदमी लाइफ के किसी भी पड़ाव में आके यहाँ पे अपने जुनून के, उसका जो इच्छा शक्ति के भरोसे बदौलत भी आके इसमें बहुत कुछ अर्न कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि सर ने क्या कहा कि भाई यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा होने वाला है और यहाँ पे हर कोई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई उम्र का लिमिट नहीं है। इसीलिए आप लोग इनकी बातों को अमल करें ताकि आप लोग भी अपने लाइफ में सफल हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं तक था, ये इंटरव्यू हमारा यहीं तक था, और मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि सर ने मुझे इतना टाइम दिया और आप लोगों के लिए सर ने टाइम निकाला। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो गाइज, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम सर 43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।